भैया जी लुधियाना से आए हैं सुनने के लिए। कितने शानदार शानदार भवन है आप देखो, इन शानदार भजन में कौन नहीं रहना चाहेगा। साथ लड्डू मिलता है। बाहर से अंदर आ गए, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आ गया। चार बार इधर उधर चारों तरफ से वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब, मेरे अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग में। आज मैं आ गया हूँ जयपुर, जैसा कि खाटू श्याम वाला वीडियो आपने देखा, जयपुर राजस्थान में आ गए हैं। आज चलते हैं सालासर बालाजी के पास दर्शन करने। साथ में भैया भी तैयार हुए हैं, चारों लोग साथ में हैं। यहाँ से चलेंगे बाईपास में, बस पकड़ेंगे, बस स्टेशन से चलते हैं वहाँ पर। वीडियो में शुरू से अंत बने रहेगा, बहुत ही लाजवाब आज का ब्लॉग वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। हमने जहाँ रूम लिया है वहाँ पे भैया जी लुधियाना से आए हैं, अभिषेक जी ने हमसे थोड़ी सी बात वार्तालाप की, और ये भी हमारे साथ सालासर चलेंगे, लेकिन कुछ देर बाद उनका परिवार तैयार हो रहा है और ये बाद में आते हैं, हम चलते हैं पहले। तो मिलते हैं भैया, बाय। तो धन्यवाद भैया जी, मिलिए। और बहुत अच्छा लगा भैया जी से बात करके। सभी लोग नीचे चले गए हैं, हम भी चलते हैं नीचे। बहुत ही आज जल्दीबाजी में हम लोग तैयार हो गए हैं, और काफ़ी दूर भी है, लेकिन चलिए आसान करते हैं आज का रास्ता हम, है ना। या ये सभी लोग वहाँ चले गए हैं और हम थोड़ा पीछे हैं, रूम बंद करने में रख गए। बहुत ही प्यारी लग रही है, दुकानें भी आसपास खुली गई हैं। जहाँ तक है ये क्षेत्र काफ़ी सुंदर शानदार भी है ना। गाइज यहाँ से ही हमको एक बस मिलेगी जिससे हम लोग सारा साल के लिए जाएंगे, है ना। हमको मिल गई है सालासर जाने के लिए, चलिए बैठते हैं इसमें। चलिए यह सीट हम लोगों को बैठ के, अब चलते हैं सालासर। दोस्तों हम लोग आ गए सालासर बालाजी इस बस से। चलिए घूमिए हमारे साथ सालासर बालाजी, दर्शन भी करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा यह जगह है। यहाँ पर पहली बार का अनुभव मेरा आपके साथ शेयर होगा। गाइस सबसे अच्छी बात ये रही है, यहाँ पे जो नए आगंतुक हैं उनको रुकने के लिए कितने शानदार शानदार भवन है। आप देखो इन शानदार भजन में कौन नहीं रहना चाहेगा। हाँ ये धर्मशाला है, इसमें आप एक दिन, एक हफ्ते, 10 दिन तक डे नाइट बिता सकते हैं। बहुत ही अच्छे रेंट पे ये मिल जाते हैं ना। हम लोग अब आ गए सालासर, अब यहाँ से हम लोग सालासर बालाजी के दर्शन करेंगे ताकि हमारा दिन ठीक रहे। सभी लोग चलिए। तो गाइस जा गए हम लोग सालासर में, वहाँ से बस स्टेशन से 10 रुपये का किराया लगा, आ गए हम लोग। चलिए साथ में चलते हैं मंदिर में, बहुत ही सुंदर लग रहा है सालासर बालाजी हनुमान जी के यहाँ। तो गाइस हम चलते हैं गेट नंबर 3 से, ये हमारा गेट नंबर 3 है, इसी से हम अंदर प्रवेश करते हैं। पहली बार हम जा रहे हैं, बाकी लोग किस रास्ते आते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर महाप्रसाद लड्डू मिलता है। बाहर से अंदर आ गए और यहाँ पर जूता रखने की विशेष व्यवस्था है, निःशुल्क जूता बाहर रख के और प्रसाद यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ साइड में ही लाइन लगती है, चलिए हम भी लाइन में लगते हैं, आपका भाई भी लाइन में लग जाता है। भैया और चाचा सभी लोग लाइन में लग गए हैं, वाह क्या बात। इधर से लोग आ भी रहे हैं, इधर से लाइन लग भी रही है, लंबी लाइन छोटी सी है। नारा लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपका भाई भी आगे चल रहा है। का मुख्य प्रवेश द्वार आ गया, चार बार इधर उधर चारों तरफ से सांप सीढ़ी की तरह घूमेंगे फिर अंदर। जय श्री राम।
आप लोग भी प्यार से बोलिए जय श्री राम। यहाँ से वीडियो फोटो बनाना कुछ भी मना है, लेकिन थोड़ा दिखा नहीं पाएंगे, हल्का फुल्का झलक आपको मिल जाएगा। मंदिर में आप लोगों ने दर्शन कर लिया बालाजी सारसर जी का। मार्केटिंग कर रहा हूँ भाई, मेले वाला। चलते हैं पेट पूजा करने यहाँ पर। मंदिर से हम लोग घूम करके बाहर चले आए, यहाँ पर कुछ हमने खरीदारी की, भोजन भी, पेट पूजा भी किया, बहुत अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा ये आज का वीडियो सालेश्वर हनुमान जी की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है पसंद आई होगी। तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सबक।